ड्राइव शुरू कर दी है। यहाँ पे बैठ के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बेशक इसमें थोड़ा सा बॉडी रोल है। योर सीट बेल्ट फॉर अ सेफ ड्राइव। और ये आप देख सकते हो, नमस्कार दोस्तों, कार ओनर रिव्यू की नई वीडियो में आज आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी गाड़ी लेके आए हैं और उनके ओनर को भी आपको मिलाएंगे, जो गाड़ी मतलब कि उसके सेगमेंट में और उसको टक्कर देने वाली कोई गाड़ी नहीं है। आपने हर सरकारी दफ्तर में, पहाड़ों में, टैक्सी सर्विस में और यहाँ तक कि एम्बुलेंस में भी वो गाड़ी देखी होगी। और ये गाड़ी ऐसी है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं आया। तो ऐसी गाड़ी जो कि रिमोट एरिया में सबसे ज़्यादा पसंद करी जाती है, एकदम रॉ गाड़ी, आज हम आपके ऐसी गाड़ी के ओनर से आपको मिलाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये गाड़ी रहने वाली है, जैसे कि आप समझ गए होंगे, ये वाली गाड़ी रहने वाली है हमारी बुलेरो। ये है 2015 मॉडल, जो कि BS4 मॉडल है और BS4 मॉडल, और ये इसमें है 1500 सीसी का इंजन लगा हुआ है, जो 210 NM का टॉर्क और 75 BHP की पावर निकालता है। तो आप देख सकते हो कि 210 NM का टॉर्क, जो कि बहुत पावरफुल है, कहीं पे भी चढ़ा दो इसको। और आप देख सकते हो जैसे कि हम कौन सी सड़क से इसको लेके आए हुए हैं ऑफ रोडिंग करते हुए, कि बनी ऑफ रोडिंग के लिए हुए, ठीक है दोस्तों। अब आपको मिलाते हैं इस गाड़ी के ओनर दीपक जी से। दीपक जी, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, बढ़िया। आप कैसे हो? हाई बोल दो मेरे सब्सक्राइबर को। हेलो। तो ये दीपक जी की गाड़ी है। दीपक जी, आपने ये गाड़ी कब खरीदी थी? ये अप्रोक्सीमेटली मैंने 6 साल हो गए इस गाड़ी को यूज़ करते हुए, बट ज़्यादा यूज़ की नहीं है, बट 6 साल मेरे को हो गए हैं। फिर भी आप कंडीशन देख सकते हैं इसकी। 6 साल यानी कि आपने ये गाड़ी 2016 में खरीदी है, राइट? 15 में, मैं भी 15 में खरीदी थी ये गाड़ी। है BS4 है, BS4 कंपाइल है। और ये गाड़ी आपने अभी तक कितनी चला ली है? मेरा ये एक्चुअली मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास और भी व्हीकल्स हैं, तो ये गाड़ी मैं ज़्यादा यूज़ कर नहीं पाया हूँ। अप्रोक्सीमेटली 50-60,000 अभी हुआ है, ज़्यादा नहीं मैंने किया। 50-60,000 बहुत होता है एक गाड़ी का लॉन्ग टर्म रिव्यू देने के लिए। तो आपको ये गाड़ी लेने का आपका पर्पज़ क्या था? बेसिकली हमारा फैमिली में अगर इस सबको इकट्ठे साथ में जाना है तो ये निकालते हैं, अदरवाइज हमारे पास और व्हीकल हैं। बट हमारा ये मेन ये था कि 7 सीटर है। हाँ। और पहाड़ों वगैरह के लिए बहुत अच्छी है, कहीं हमने अपना जैसे आप ऑफ रोडिंग बोल सकते हैं उसके लिए बहुत अच्छी है, कहीं फंसती नहीं है, टायर भी बड़े हैं इसके, बहुत अच्छा है इसके लिए। फैमिली वाले खुश रहते हैं गाड़ी में? बहुत इसमें बहुत ज़्यादा, वो छोटी गाड़ी में बैठते ही नहीं एक्चुअली। अच्छा, वो कहते हैं कि टाइट लगता है हमें, तो इसके बहुत कम्फर्ट है इस चीज़ के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप ये बताओ, आपने इसमें लॉन्ग टूर कितने करे हुए हैं इस गाड़ी में? एक्चुअली हमारा मेन बेसिकली मैं हिमाचल से भी, और ये हिमाचल का टूर ज़्यादा लगते हैं इसमें, हिमाचल वगैरह हो गया और अपना थोड़ा गांव वगैरह जाना होता तो उसके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेन हमारा काफ़ी हफ्ते में, महीने में 2-4-5 टूर लग जाते हैं, 4-5। अगर इस गाड़ी की पावर की बात करें, जो कि 75 BHP है, आपको ये कैसा लगता है? 75 BHP और इसका 210 NM टॉर्क सफिशियंट है चलाने के लिए? सफिशेंट है, इतना कोई हमने भगाना नहीं, वो बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि दबती है या कुछ है, आराम से चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाइट ज़्यादा होने के कारण इतना है कि हमें जब शार्प मोड आता है तो हमें उस अकॉर्डिंग इसको आपको कुल मिला के इसमें बॉडी रोल फील होता है। हाँ, तो हाइट के कारण थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा ऊँची है तो इसमें बॉडी रोल फील होना लाजमी है। और गाड़ी दिखने में आपको कैसी लगती पर्सनली? लुक इसका बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। रॉ लुक बिल्कुल अच्छा लुक लगता है, ऐसा नहीं है जिसका मतलब, अंदर से इंटीरियर देखेंगे तो अच्छा बनाया इन्होंने, अच्छा इंटीरियर है, जैसे एक मतलब लग्जरी गाड़ी में होता है वैसे इंटीरियर बना रखा है। थोड़ा एसी की तरफ से मैं इसका थोड़ा माइनस पॉइंट आया थोड़ा, कि एसी बैक साइड में एसी नहीं है, उसके लिए करना पड़ता है हमें कंडक्ट वगैरह, पीछे एसी नहीं पहुंचता, बाकी ऑल ओवर गाड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। अच्छा दीपक जी, और इसमें कौन कौन सी ऐसी एक्सेसरीज है जो आप ऐड करना चाहते हो अभी? देखिए ऐसा है मुकेश भाई, ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, जैसे लाइक लॉयज वगैरह हो गए, लॉय व्हील्स हो गए, और थोड़ा मैं एक्चुअली मैं इसको थोड़ा ऑफ रोडिंग के लिए भी तैयार करूंगा इन फ्यूचर। मेरा प्लान है कि लाइक जैसे वो रूफ टेंट वगैरह हो गया, ऐसा कुछ ऊपर लगा के एक अपना जंगल में कहीं भी स्टे किया, थोड़ा अपना वीडियोस वगैरह बनाने की, यूट्यूब पे भी हम कंटिन्यू करेंगे ये चीज़ अपना। इसको ऑफ रोडिंग में ज़्यादा है, मेरा मेन पर्पस यही है कि ज़्यादा ज़्यादा एलॉयज वगैरह डलवा के और इसका कैरियर वगैरह ये सब लगवा के, इतना ज़्यादा इसको मैं कबाड़ नहीं बनाऊंगा। आपकी बातों से देख के लगता है कि आप घूमने वाले एंथुसियास्ट हैं। बिल्कुल, आपको घूमने का काफ़ी शौक है, इसीलिए मैंने ये ली, ये मेन पर्पस मेरा वैसे यही था।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका घूमने का शौक है और आप पूरा कीजिए उसको, ये बहुत अच्छी बात है। और ये चाहते हैं कि इस पर रूफटॉप टेंट लगाएं, और इसमें काफ़ी ईजी है लगाना आई थिंक, क्योंकि इसमें आप साइड से देख सकते हो इसमें प्रोविज़न है कि आप यहाँ पे कुछ रेलिंग ऐड कर सकते हो। एंड अगर आप पहाड़ों में रहने वाले हो तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे लोग छत लगा देते हैं, वो भी काफ़ी मजबूत, उसमें काफ़ी हैवी वेट आप लेके जा सकते हो। और ओवरऑल जो गाड़ी का लुक है वो कुछ रियर से ऐसा है, और ये टॉप वेरियंट है तो इसमें रियर वाइपर आता है, और ये इसका स्पेयर व्हील है। और पीछे से अगर आप गाड़ी का लुक देखोगे काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे लुक आ रहा है गाड़ी का। और साइड से भी अगर आपको गाड़ी दिखाऊं तो मतलब ये गाड़ी ऐसी है एकदम बॉस टाइप की, आपको फील कराएगी कि आप कोई बड़े आदमी हो। और अभी इस पर व्हील कवर लगे हैं, और दीपक जी कह रहे हैं कि उनको इस पर अलॉय लगाने वाले हैं। आप कैसा अलॉय यहाँ पे मतलब पसंद करोगे, चौड़े टायर लगाने वाले हो या नहीं? चौड़ा चौड़ा वाला कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, बट थोड़ा बहुत अच्छा लगे, ज़्यादा ऐसा कुछ इसको बनाना भी नहीं है, जुलूस नहीं बनाना एक्चुअली, गाड़ी को गाड़ी रहने देना है। बाकी आपको जैसे बताया कि हमारा ऑफ रोड में हमारा साथ दे, ये ना हो हमारे अलॉय व्हील मतलब क्रैक, जैसे आजकल लगवा लेते हैं लोकल्स अलॉय व्हील, वैसा कुछ नहीं है, सिंपल ही रखेंगे। और चलाने में कैसी लगती है आपको ये गाड़ी? चलाने में मैं एक्चुअली अगर ये गाड़ी चलाता हूँ तो मैं छोटी गाड़ी फिर मेरे से चलती नहीं है, चला भी नहीं पाता हूँ। थोड़ा मतलब एक्चुअली बैठने का भी इसका काफ़ी लेवल काफ़ी हाई है, तो ऐसा लगता है किसी बड़ी गाड़ी में बैठा हूँ। आप इस गाड़ी को ऑफिस लेके भी जाते हो? नहीं, ये ऑफिस मेरा पास में ही है तो इतना नहीं मैं चलाता इसको। ठीक है, तो आप शायद मैं लॉन्ग ट्रिप पे ही इस गाड़ी को लेके जाते हो? लॉन्ग ट्रिप प्रेफर करूंगा, क्योंकि इतना नज़दीक जाना और इतना रश में। और कितना लंबा आप इस गाड़ी को अपने पास रखना चाहते हो अभी? और आई थिंक इसकी एज आई थिंक 15 ईयर है, तो मैं पाँच सात साल और रखूंगा इसको, कंटिन्यू करूंगा शायद, मे भी उससे पहले भी प्लान बने, बट गाड़ी अच्छी है अभी तक तो, इसने साथ दिया है। और कोई गाड़ी अगर आपको पसंद हो और आप चाहते हो, अगर अभी आपको मैं बोलूं कि आपको इसके बदला कोई और गाड़ी लेनी है, तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे? जैसे मुकेश जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, गाड़ियाँ सभी अच्छी हैं, बट जो महिंद्रा और इंडियन जो भी ब्रांड है ना, आप इंडियन ब्रांड्स ही लें। इससे पहले जो हमारे पास स्कोडा हुआ करती थी, बट रख तो आप लेंगे, बट उसको मेंटेन करना और उसके पार्ट्स को अगर कुछ फॉल्ट पड़ जाता है तो आप उसको मतलब वो पार्ट्स इम्पोर्ट ही होंगे, आपको इंडिया में मिलेंगे नहीं। हाँ, ये काफ़ी बाहर की कंट्री की अगर आप किसी गाड़ी को लेते हो तो उसमें यही प्रॉब्लम है। और ये जो गाड़ी है हमारी रॉ गाड़ी, इसमें मेंटेनेंस का खर्चा आई थिंक काफ़ी कम है, क्योंकि इसके पार्ट्स हर किसी लोकल मैकेनिक के पास मिल जाते हैं। और अगर आपका सडनली मान लो कोई भी पार्ट ख़राब होता है, अगर आप कहीं गए हो तो आसानी से इसको फिट कर सकते हैं, आसानी से आपको मैकेनिक मिल जाएगा, और इसके पार्ट भी काफ़ी चीप है, क्योंकि ये गाड़ी बिकती ही इतनी है इंडियन मार्केट में। बिल्कुल। और इसका लुक कुछ जी वैगन जैसा आता है, आप क्या कहना चाहते हैं लुक के बारे में? जी सस्ती जी वैगन बोल सकते हैं। चलो जितना जिसका बजट है वो उतना ही लेगा, वो ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं कि गाड़ी ने धोखा दिया हो या तंग किया हो, बाकी फील तो इसमें रॉ एकदम रॉ गाड़ी आती होगी। हाँ रो गाड़ी है, बट इतना है कि इसका मतलब जैसे कि हम थोड़ा वो ही हाइट के कारण इसको भगाते हैं, तो मोड्स वगैरह टर्न वगैरह आते हैं तो उन पर ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, क्योंकि इसकी गाड़ी के आप देख सकते हो ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, और ऊंचाई होने की वजह से जब भी आप इसको कॉर्नरिंग इसमें कर रहे होते हैं तो इसमें बॉडी रोल ज़रूर फील होता है, बट अगर आप यूजर प्रोस्पेक्टिव से देखिए, जिसको ये गाड़ी पसंद आती है ना, उसको छोटी गाड़ियाँ पसंद आ ही नहीं सकती जो एक बार इस गाड़ी को चलाए। क्या बोलते हो, अगर कोई इस गाड़ी को एक बार चलाएगा उसको दूसरी गाड़ी पसंद ही नहीं आएगी? छोटी कार छोटी तो चलाएगा ही नहीं, वो छोटी चलाएगा नहीं, बिल्कुल से नीचे वो लेगा ही नहीं, ना चलाएगा वो। बिल्कुल ये बात है। और चलो आपको दिखाते हैं गाड़ी चला के कि गाड़ी चलने में कैसी है, एक बार हम फील लेते हैं इस गाड़ी का और आपको बताते हैं कि हाँ ये गाड़ी मेरा ज़्यादातर चलाना अभी तक छोटी गाड़ियों को चलाना है, हम एक बार देखते हैं इसके चलाने में ये कैसी रहती है। और अभी हम देख सकते हो ऑफ रोडिंग पैच पे हैं, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि ऑफ रोडिंग में गाड़ी कैसी है। चले दीपक जी चलो। तो अभी हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, और गाड़ी अगर आप देखोगे एकदम रॉ है, इसकी प्लास्टिक ये हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत मजबूत है, बट हाँ थोड़ा क्वालिटी वाइज उतना अच्छा नहीं है, बट ऐसी गाड़ियों में, इतनी बड़ी गाड़ी में ऐसा इंटीरियर काफ़ी मैं कहूँगा कि वर्थ है। और ये इसका एसी यूनिट है, ये इन्होंने बाहर से फिट कराया हुआ है, और स्टेयरिंग आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बैठने के बाद ऐसी फील आ रही है कि मैं यहाँ का दादा हूँ, और इतनी ऊंची गाड़ी है, और यहाँ पे बोनट के मेरे को दोनों एड्ज दिख रहे हैं। विजिबिलिटी वाइज देख सकते हो आप इधर भी, हाँ भी बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, इसके मिरर भी काफ़ी बड़े हैं। और चलाने में इसको अभी चला के देखते हैं कितना मज़ा आएगा, और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये 7 सीटर गाड़ी है। पीछे भी इसमें दो साइड फेसिंग सीट है जिसमें एक एक बंदा आई थिंक बैठ सकता है, अभी हम आपको बैठ के भी दिखाते हैं।
और यहाँ पे आराम से 3 बंदे बैठ जाएंगे कंफर्टेबली, और गाड़ी काफी सही लग रही है। बाकी आपको चला के दिखाते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है। ड्राइव शुरू कर दिए, यहाँ पे बैठ के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बेशक इसमें थोड़ा सा बॉडी रोल है। और ये आप देख सकते हो कि ये बताता भी है साथ में, और गियर अभी थोड़ा इसके नोची लग रहे हैं क्योंकि शायद में इसकी सर्विसिंग आपने कब कराई है। सर्विसिंग तो हो गई है, बट आपको शायद में भी आदत ना हो गाड़ी की। इसका जो गियर का ट्रेवल है वो काफी ज्यादा है, और टॉर्क तो बहुत ज्यादा फील हो रहा है। जिस हिसाब से मैं कार चलाता हूँ, इसका टॉर्क इतनी जल्दी ये उठ रही है गाड़ी, और पावर भी काफी अच्छी लग रही है। और हाँ, थोड़ा बॉडी रोल फील हो रहा है हमें, गड्ढों में गड्ढे फील हो रहे हैं, पर इस गाड़ी में जो बैठ के जो मजा आ रहा है वो आई थिंक किसी और गाड़ी में ना आए। बाकी इस गाड़ी में बहुत, आप देख सकते हो, अगर आगे सड़क दिखाओ दीपक जी की गाड़ी, सड़क हमारी कैसी है, बट ये गाड़ी एकदम बिना एफर्टलेसली चल रही है। और इसका आई थिंक हाइड्रोलिक स्टेयरिंग होते हुए भी, ये जो स्टेयरिंग है हाइड्रोलिक है, पर फिर भी ये काफ़ी अच्छी काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब ये देख रहा हूँ मैं एक हाथ से इसको घुमा सकता हूँ, जो कि हाइड्रोलिक वाले में पॉसिबल नहीं है। और हम इसको एक बार बैक करके, ये सड़क यहीं पे ख़त्म होती है। हाँ, गियर में थोड़ा सा आई थिंक इसमें काम कराने की जरूरत है। जिस हिसाब से इसको कितने साल हो गए, कितने किलोमीटर चल चुकी है, 50-60 ये चल चुकी है, तो आई थिंक इसका मेजर सर्विस कराने का टाइम आ चुका है, इसीलिए थोड़ा सा नोची लग रहा है इसका गियर। टॉर्क तो 210 Nm का जो इसका टॉर्क है वो फील होता है, जब भी मैं क्लच उठाता हूँ गाड़ी एकदम ऐसे ऊपर को जान लगाना स्टार्ट कर देती है पहाड़ों में, इसीलिए इसको चलाने में मजा आता है। आप कभी उत्तराखंड जाओ या किसी भी पहाड़ी एरिया रिमोट एरिया में जाते हो, तो वहाँ पे आपको ये गाड़ी तो 100% मिलेगी। और सरकारी वाले में भी टॉर्क आप देख सकते हो कि कितने जल्दी एकदम उठने लग गई। मुझे बेसिकली आदत नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी चलाने की, पर काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। इतना ऊँचा जो मैं फील कर रहा हूँ ना, वो मुझे ऊँचा फील करने में जो मज़ा आ रहा है वो किसी और गाड़ी में नहीं आ सकता है जी। दोस्तों, आपने देखा दीपक जी का ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ, उनको चलाते हुए 6 साल हो चुके हैं, और आपने देख लिया कि उनका ओनरशिप रिव्यू अभी तक इस गाड़ी में कैसा रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आप भी चाहते हो ऐसी गाड़ी लेना, आपके लिए शायद ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो पसंद आया नहीं आया, कैसा रहा। और थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए वीडियो को।